मडुमर ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा कलेक्टर परिसर में बैठकर नारेबाजी की गई और पपोरा गौशाला में हो रही लापरवाही को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि रमन्ना के जंगलों में मिल रही मृत गायों की नहीं बल्कि पपोरा क्षेत्र की बनी गौशाला की है। बताया गया कि जिले के ग्राम पचोरा के कुछ जैन समाज के व्यक्ति द्वारा अनेक वर्षों से गौशाला संचालित की जा रही, जिसमें लगभग 500 से अधिक गायें और उनके वंशज हैं। गौशाला मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के प्रति वर्ष लाखों रुपये के चारा इलाज हेतु अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जैन समाज भी संस्था को लाखों रुपये प्रतिवर्ष दान देता है। इसके बावजूद भी गौशाला में पशुओं के चारा इलाज पर ध्यान न देते हुए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिसे साफ जाहिर होता है गौशाला के शासन के प्राप्त अनुदान और दान राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रतिदिन भूख प्यास के सैकड़ों की तादाद में बिलक बिलक कर गायों की मृत्यु हो रही है, जिसे खुलेआम रमन्ना के जंगलों में गिद्धों के भोज के लिए फेंक दिया जाता है, जिससे आक्रोशित होकर माड़ूमार के ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रशासन से मांग की है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ज्ञापन हुआ है किस बात को लेकर? जो ये दयोदय पशु सेवा केंद्र पपोरा में संचालित है, उसमें ग्राम वासियों द्वारा कुछ आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि वहाँ पर जो गाय है वो बगैर शेड के निवास कर रही हैं, ताकि उनको और उनको समय पर पानी भूसा नहीं मिल पाता है। इसकी शिकायत कर की जांच की जाए, उस बाबत एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जी हम ऊपर शासन को उसमें करोड़ों रुपये चंदा भी आता है और मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार भी मदद देती है, लेकिन सुनने में जी आया है और देखने में भी आया कि 200 से अधिक पशु 2-3 महीने के अंदर एक्सपायर होकर वो जंगल में रवन्ना में फेंके गए। उसमें जी सुनने में भी आया कल के जी गांव की हैं गायें, जो कि गांव की इतनी संख्या में गायें नहीं निकलती हैं किसी भी गाँव में, एक भी नहीं है, और इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए और उनके लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। संचालन की गलतियों के कारण इतनी मृत्यु दर हुई है, इतनी मृत्यु नहीं हो सकती है। 200 गायों की मौत होना छोटी बात नहीं है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी उचित व्यवस्था हो, उनका संचालन बढ़िया हो, जो गायें वहाँ पर हैं उनके लिए भूसा और पानी उपलब्ध हो, और जो रवन्ने को चरने जाती हैं उनकी गायें विधिवत आएँ और जाएँ। ये नहीं कि छोड़ दी जाएँ। हम लोगों की तो फसल भी बरसात की बिल्कुल नहीं ले पाती, हम लोगों को वो कष्ट नहीं है। चलो बरसात की फसल ठीक है, लेकिन अभी जो समस्या जो बनी है कि आप लोग ठीक है अंदर रखें भी हो इतना गोवंश, तो उनकी उचित देखभाल और उचित उनका भी नारे लगा रहे थे गौशाला की गाय है। हाँ, उसमें समस्या ये बनी है कि अभी जो हम लोगों के जो टीकमगढ़ से गौ भक्तों ने जो ज्ञापन दिया था महोदय जी के लिए, उसमें एक जांच कमेटी गठित हुई थी। उसमें उन लोगों ने कहा गौशाला वालों ने कि ये तो माड़ूमा के गांव की है, चूँकि गांव की नहीं है जी गोबंश। जितनी मृत्यु वो उसमें रवन्ना में मिली है उनकी जो डेड बॉडियाँ, वो हमारे ग्राम की नहीं है। हमारे ग्राम से तो बहुत दूर बैठती है, वो 4-5 किलोमीटर दूर बैठती है हमारे ग्राम से, इतनी संख्या में हमारे ग्राम की नहीं है। तो इसलिए काफ़ी संख्या में जो गाय मरी हैं तो ये कहाँ की हैं? ये गौशाला की हैं, गौशाला पपोरा जी की हैं जी, इतनी संख्या में। आप लोगों ने आरोप लगाया कि गौशाला में कई कमरे बनाए गए हैं, टीन शेड? हाँ, उसमें टीन शेड वगैरह हैं। जैसे पिछली जो गौशाला संचालित आज 2002 से हो रही है, उसमें अब उसने विधिवत शौचालय और टीन शेड वगैरह बना दिए गए। अब छोटा सा स्थान है और गायों की संख्या अधिक है, और उनके लिए जो अपने सरस्वती मंदिर के पीछे एक वो है, उसमें कितनी एकड़ है वो जमीन? 30 एकड़ जमीन है वहाँ पर, तो भी लोग चारा दे रहे हैं यानी ठेका पे लगाए, उसके लिए विधिवत गेहूँ वगैरह उपार्जन कर रहे हैं, जो कि वह उसमें घास वगैरह लगा के और उनकी लाएँ मिलना चाहिए गायों के लिए। नियम के तहत जो 30 एकड़ शासन द्वारा प्रदान की गई है उनके लाने गौचर भूमि, उसके लिए उनके लिए चारा उगा के गऊओं के लिए ग्रास। क्या ज्ञापन देने आ जाए हैं आप? हम ज्ञापन इस बात कर देने आए हैं कि जो हमारे यहाँ गौशाला है पपोरा क्षेत्र में, वहाँ ना तो कोई खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, इसलिए गायें भूखो मर रही हैं, और ये लोग मधुबन जंगल में मृत हो जाती हैं तो डाल देते हैं। तो हमारे गांव के लोग बागन को आरोप लगाते हैं कि ये गांव की हैं, जबकि गांव की नहीं है, ये गौशाला की ही गायें हैं। आपने क्या मांग की अभी शासन से? हमने मांग ये की है कि निष्पक्ष जाँच हो इसकी, कि ये गायें कहाँ की हैं जबकि वे गौशाला की हैं। वहाँ पर आप लोगों ने आरोप लगाया है कि वहाँ टीन शेड की जगह कमरे ज्यादा बने हैं। हाँ, वहाँ पर कमरे अधिक बने हुए हैं, जबकि वहाँ टीन शेड और हर व्यवस्था अलग से होना चाहिए जानवरों को। 24 घंटे तो वहाँ मवेशियों का गोबर डला रहता है, इसलिए कुछ बीमारी भी हो रही है और भूखे जानवर मर रहे हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और यहाँ कमेटी पूरी कोई देख रेख नहीं कर रही है जानवरों की, एक दो कर्मचारियों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, जय देख रेख करें या ना करें, ऐसी जिम्मेवारियां बनाए हुए हैं।
चलो ठीक है। गाय कहाँ की है? जे पपोरा जैन क्षेत्र के नाम से गौशाला बनी है, जे पपोरा गौशाला की गाय है, संपूर्ण जो मृत हुई है, हमारे गांव की एक भी गाय नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।